बस नाला विच 8 अगस्त नूं होए ऑयल टैंकर धमाका मामले विच 4 होर लोकां दी गिरफ्तारी हुई है। दस दिए कि 40 दिनां विच पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई दी शेफ प्राप्त चौथे मॉड्यूल दा ए पर्दाफाश होया। अज नाला विच 8 अगस्त नूं जो ऑयल टैंकर धमाका होया सी उस विच 4 होर लोकां दी गिरफ्तारी हुई है। बीते 40 दिनां दे विच पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई दी शेफ प्राप्त चौथे मॉड्यूल दा पर्दाफाश होया है। नाला तों नौजवान रूबल सिंह नूं गिरफ्तार कीता गया। बलरवाल पिंड दा विक्की पुट्टी, उंगर औलख पिंड दे गुरप्रीत ते मलकीत सिंह भी गिरफ्तार कीते गए ने। पाकिस्तान च बैठा इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन दा लखवीर सिंह गोडे ते पाकिस्तान नागरिक कासिम ने घटना दे साजिशकर्ता दसी जा रहे ने। धमाका करन लई रोडे ते कासिम ने दहशतगर्दां नूं 2 लाख रुपए भेजे सन, ए वी खुलासा होया। गिरफ्तारी तों बाद हाई अलर्ट ते पुलिस है। दस दिए कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी नूं भीड़भाड़ वालियां थावां ते सुरक्षा सख्त करन दे आदेश दित्ते ने। सो इह चौथा मॉड्यूल जिहड़ा है जिसका पर्दाफाश होया, जिस नाल इह धमाका होया सीगा, और इस तों बाद लगातार जांच जिहड़ी कीती जा रही सी। ते दस दिए कि बीते 40 दिनां विच पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई दी शह प्राप्त चौथे मॉड्यूल दा इह पर्दाफाश होया जिस नाल इह धमाका होया सी। दस दिए कि अजनाला तों नौजवान रूबल सिंह नूं गिरफ्तार कीता गया। इस तों अलावा बलरवाल पिंड दा विक्की पुट्टी, उगर औलख पिंड दे गुरप्रीत ते मलकीत सिंह नूं भी गिरफ्तार कीता गया है। पाकिस्तान विच बैठा इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन दा लखबीर सिंह रोडे ते पाकिस्तानी नागरिक कासिम इस पूरी घटना दे साजिशकर्ता दसे जा रहे ने। दस्सदे कि धमाका करन लई रोडे ते कासिम ने दहशतगर्दां नूं 2 लाख रुपए भी भेजे सन, जो हुण तक दी जांच विच सामने आया। गिरफ्तारियां तों बाद पुलिस हाई अलर्ट ते है। मुख्यमंत्री वालों भी डीजीपी नूं सख्त आदेश दिते गए ने कि भीड़ भाड़ वाली थावां ते सुरक्षा नूं होर सख्त कीता जाए। सूबे दे विच जिहड़ी है सुरक्षा दे लिहाज नाल होर सख्ती कीती जाए, आदेश दिते गए ने। जिथे टैंकर ऑयल टैंकर नूं अग लगी सी, सीसीटीवी दे विच तस्वीरां कैद होईयां सन, टिफिन बंब भी बरामद होया सी। सो लगातार ये जिहड़ियां घटनावां वापरियां ने, यह चौथा मॉड्यूल है जिसका कि पर्दाफाश होया। अजनाला दे विच हुण यह गिरफ्तारियां 4 होर लोगों की हुई ने, सुरक्षा नूं भी सख्त करन दे आदेश दिते गए ने। सो 8 अगस्त नूं होए ऑयल टैंकर धमाका मामले विच 4 होर लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बीते 40 दिनां च पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई दी शह प्राप्त चौथे मॉड्यूल का यह पर्दाफाश होया है। लगातार जिहड़ी है इस मामले नूं लैके जिथे जांच भी की जा रही है, कितने कितने तार जुड़े हुए ने, इसका भी पता लगाने की कोशिशें हो रही ने। पंकज साडे नाल जुड़ चुके ने। पंकज, जिस तरह नाल ये चौथा मॉड्यूल है जिसका कि पर्दाफाश होया, यकीनन बहुत वड्डी साजिशां जिहड़ियां कड़ियां गईयां, की कुछ हुण तक जिहड़ा है इस पूरे मामले च होया जिस नाल ये गिरफ्तारियां भी होईयां ने? जी बिल्कुल राधा, मैं दसना चाहुंदा कि सूबे दी अमन शांति नूं भंग करन दे मकसद दे नाल 8 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान च बैठे देशवादी अफसरां वल्लों अजनाला दे शर्मा पुलिस स्टेशन नूं ते खड़े जिहड़ा तेल वाला टैंकर है उहनूं टिफिन बंब दे नाल उडाउण दी कोशिश कीती गई सी। हालांकि जिहड़ा तेल वाला टैंकर सी उह खाली होण करके कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होया, बचा होया, लेकिन फिर भी आले दुआले दे जिहड़े काफी नुकसान होया लोकां दे घरां दे, छिंके टुट गए आले दुआले दा, काफी जिहड़ा वा जिहड़ा ब्लास्ट होण दे नाल जिहड़ा नुकसान होया। उसे दे मामले दे विच अजनाला खेतर दे 4 नौजवानां नूं जिहड़ा वा उह गिरफ्तार कीता गया, जिस दे विच रूबल सिंह दी कल गिरफ्तारी हो चुकी है ते उसनूं अजनाला की अदालत में पेश किया जा चुका है। 4 दिन का उसका पुलिस रिमांड मिल चुका है, जिस तो बाद हम पुलिस रूबल सिंह तो पूछताछ करेगी कि वो कितों ये सारा समान लैन के आता सी, या पहला और किस किस नाल उसके तार जुड़े ने, या कितों ये सारिया घटना जो पहला भी अंजाम दिता गया है। उसे ही हम जो 3 व्यक्ति होर ने, विक्की पट्टी जो वासी बलड़वाल है, मलकीत सिंह, गुरप्रीत सिंह वासी गरोल के ने, उन्होंने अब जो पुलिस अजनाला की अदालत में रिमांड वास्ते लै के आएगी। बिल्कुल, और जिस तरह एक गिरफ्तारियां हुई हैं और अजिहे विचकार यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बैठा जो इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का लखबीर सिंह रोडे है, पाकिस्तानी नागरिक कासिम जो इस पूरी घटना के साजिशकर्ता रहे, अजिहे विचकार होर लोगों की भी इस विच शमूलियत हो सकती है, इस दे बारे भी कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल राधा, पुलिस लगातार इन्हों को पूछताछ चल रही है, जिस तरीके गल सामने आ रही है चौथे मॉड्यूल का पर्दाफाश होया, सुनील सिंह रोडे से कासिम के नाल इन्हां दे तार जुड़े होने की ज्यादा गल सामने आ रही है कि 2 लाख रुपए के विच इन्हां दी आपसी गलबात हुई सी, कि 2 लाख के विच सारी घटना अंजाम देना। उसके मामले के विच पुलिस वालों लगातार इन्हों को पूछताछ की जा रही है कि आखिर होर किस किस चीज इन्होंने इंजाम देना सी, या पहला किसे किसे ਇਹ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਬਚੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਖਤੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਕੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਰਾਧਾ ਜੀ ਜੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਨਸੂਬੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹਿਰਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।